बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर में अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अबाउट कुछ डिस्कशन की थी। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अप्लीकेशन में से फर्स्ट अप्लीकेशन है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये बता देती है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। फिजिबल होने का मतलब ये है कि क्या उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो किसी दो एलिमेंट के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो प्रोसीड हो सकता है कि नहीं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी पॉइंट है। कि फर्स्ट पॉइंट है इफ सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, कि अगर टू एलिमेंट्स उनके अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करें, सेल पोटेंशियल क्या है, तो सेल पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन एंड ई नॉट रिडक्शन। मतलब उन दो एलिमेंट्स में से अगर एक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सेकंड एलिमेंट जो है वो अगर अपनी रिडक्शन कर रहा होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का हम सम करते हैं। अगर सम हमारे पास जो है सेल पोटेंशियल के फॉर्म में पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं रिएक्शन इज फिजिबल, एंड इफ सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो इसके लिए मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एक कॉपर लिया है, सेकंड जो है वो जिंक लिया है, और इन दो वैल्यूज को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा से लिया है। कि हमारे पास है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 एंड जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -0.76। तो इन दो एलिमेंट्स के दरमियान रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए अगर हम गैल्वानिक और वोल्टिक सेल एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए टू केस हमारे पास है। अगर हम केस वन लेते हैं कि जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस जिंक जो है अगर ये एनोड के तौर पे बिहेव कर रहा है तो जिंक टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए जिंक पॉजिटिव टू आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इसी तरह उस जिंक एनोड के साथ गैल्वानिक सेल को बनाने के लिए अगर हम कॉपर जो है ये कैथोड के तौर पे लेते हैं तो गैल्वानिक और वोल्टिक सेल में कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो कॉपर आयन जो है कैथोड पे जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हुए अपने आप को कन्वर्ट करता है न्यूट्रल कॉपर एटम में। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक की चूंकि ऑक्सीडेशन हुई तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -0.34। तो कल हमने ये बात डिस्कस की थी या यहाँ पर हम इसको ये देख लेते हैं कि हमारे पास तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रही है तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर हम कहते हैं साइन इज रिवर्स। साइन इज रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो तो जिस एलिमेंट की गेन करने की एबिलिटी जितनी कम होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूज करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन वो आ जाएगा +0.76। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक और कॉपर वाले गैल्वानिक सेल केस वन में जिंक ने चूंकि ऑक्सीडेशन की तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बनेगा +0.76 एंड कॉपर आयन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज +0.34। अगर हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों वैल्यूज का सम करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है +1.10 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव। और हमने फर्स्ट में ये बात डिस्कस की कि अगर किसी भी गैल्वानिक सेल में
दो एलिमेंट्स टू इलेक्ट्रोड्स का हमारे पास सेल पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो रिएक्शन इज फिजिबल। इसी तरह केस टू की अगर हम बात करते हैं कि कॉपर जो है अगर हम कहें कि वो एनोड है और जिंक जो है वो बिहेव करे एज अ कैथोड, तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन कॉपर एनोड पे एंड जिंक कैथोड पे होगी रिडक्शन। तो इस केस में कॉपर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए कॉपर आई एंड जिंक जो है वो टू इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए जिंक न्यूट्रल एटम पे कन्वर्ट होता है। अब कॉपर ने चूंकि ऑक्सीडेशन की तो कॉपर का एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि हमारे पास कॉपर की वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने की एबिलिटी पॉजिटिव जितनी ज्यादा है लूज करने की एबिलिटी उतनी कम होगी, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास -0.34। सिमिलरली जिंक आयन जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76, तो यहाँ पर जिंक जो है वो कैथोड के तौर पर बिहेव करते हुए अपनी अगर रिडक्शन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76, और इन दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास है, इन दोनों का सम सेल पोटेंशियल की फॉर्म में आता है -1.10 वोल्ट। मींस कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, मींस कि केस 2 में कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रिमूव कर रहे हैं इन एक्चुअल जो है दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सेकंड एप्लीकेशन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल का वोल्टेज और ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर हम जिंक और कॉपर के केस में कॉपर वाली एग्जांपल को डिस्कस करते हुए कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के अगर हम गलवानिक सेल का एस्टेब्लिश करें तो यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मींस ये हमारे पास बनेगा हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली कॉपर जो है वो जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो इन्हीं टू हाफ रिएक्शंस को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में और हाफ रिडक्शन रिएक्शन वाले केस में वही टू इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट में है, ये दोनों होंगे एक दूसरे के से कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास बचेगा जिंक एटम प्लस कॉपर आयन और जिंक उसके बाद प्रोडक्ट में जिंक आयन प्लस कॉपर, ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने किसी भी सेल का ईएमएफ या फिर वोल्टेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक -0.76 है और सिमिलरली हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हमारे पास है +0.34। तो इस केस में जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो हम यहाँ पर जितना रिडक्शन पोटेंशियल था उसी के अगर साइन ऑपोजिट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक +0.76 है और यहाँ पे हमारे पास कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल और अगर हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो ये हमारे पास आएगा कि -0.34। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन तो हमारे पास जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.76 और प्लस की साइन फॉर हो जाएगी और कॉपर जो है उसकी रिडक्शन हुई है तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.34। सो द सेल पोटेंशियल इन केस ऑफ जिंक एंड कॉपर ये हमारे पास आता है 1.10 वोल्ट। तो ये दोनों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।